जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग अलग तरह से चलने लगता है। जो भी मेरे मुंह में आता है मैं वो बोल देता हूँ। उत्तम बर्मन जरा सा भड़काने पर भी गुस्से में आ जाता था। वो और उसका गैंग अपनी लड़ाइयों के लिए बदनाम थे। देखिए, अगर स्कूल में मेरा कोई भी दोस्त लड़ता था और पिटाई के बाद वो हमसे आकर मदद मांगता था तो हम लड़ने जाते थे। हमें बस ये पता होता था कि उन्होंने हमारे दोस्त को मारा है तो हमें भी उन्हें मारना है। गैंग इतना बदनाम हो गया था कि स्कूल के टीचर्स भी उनसे नाराज रहते थे। मेरे टीचर कहते थे कि तुम एक बुरे लड़के हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम क्लासेस अटेंड नहीं करते हो। अपने टीचर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सच में बहुत बुरा लगता था। अकेले में उत्तम को अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लोग मेरे बारे में बुरा बोलते थे। उसके बाद मैं सोचने लगा कि क्या मैं कभी अच्छा लड़का बन भी पाऊंगा। एक दिन उत्तम ने अपने क्लासमेट से एक अजीब शब्द सुना, फेलोशिप। दादा फेलोशिप के बारे में बात कर रहे थे। फेलोशिप में लोग इकट्ठे होते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए अच्छा बनने का मौका होता है। ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी अच्छा लड़का बन सकता हूँ, तो इसलिए मैंने भी फेलोशिप में जाने का फैसला किया। तो मैंने दादा से कहा कि मैं भी आप सभी लोगों के साथ वहाँ पर आना चाहूँगा। अपने दोस्त के इन्विटेशन पर उत्तम ने फेलोशिप अटेंड की। वहाँ पर उसे किसी से मिलाया गया। उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया कि वही हमारे परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का त्याग मेरे पापों के लिए किया और 3 दिन बाद उन्होंने वापसी की। वो सुनकर मैंने एक बार कोशिश करने की सोची। अगर सच में प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, तो वो सब कुछ दे सकते हैं जो मेरे पास नहीं है। फेलोशिप अटेंड करने के कुछ महीनों बाद उत्तम ने बाइबल उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उसने पन्ने पलटने शुरू किए और एक जगह पर रुक गया। जॉन चैप्टर 3:16 में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर संसार से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा उसे दे दिया, और जो भी उनमें विश्वास करता है वो कभी खत्म नहीं होता, अनंत काल तक रहता है। ये कैसे संभव है कि परमेश्वर के बेटे ने अपनी जिंदगी दे दी? उनकी मृत्यु क्यों हुई? इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। उसके बाद बाइबल को पढ़ते हुए धीरे धीरे मेरे सवाल के जवाब मिलते गए। बाइबल को पढ़कर मुझे समझ में आया कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरे हैं ताकि मैं पापों से दूर रहूं और मुझे अनंत जीवन मिले। उत्तम ने अपने दिल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और प्रभु यीशु की शरण में जाने का फैसला किया। मैंने अपने दिल में सुकून महसूस किया। जो भी गलती मैंने की है मुझे उसकी माफी मिल गई है। सच कहूँ तो आज से मैंने एक और चीज महसूस की, मुझे अपने जीवन का नया मकसद मिल गया। देखिए, आत्मा का फल है प्यार, खुशी, शांति, सहन शक्ति, दया भाव, अच्छाई, वफादारी, सज्जनता और खुद पर संयम। वर्ष सुनने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा इस वर्ष का पालन करूंगा। बाइबल के इस वर्ष को फॉलो करने की इच्छा से उत्तम ने बदलाव की हर संभव कोशिश की। उसके बाद कई दिक्कतें आईं, जैसे मुझे गुस्सा आता था, मैं लड़ाई करना चाहता था। उस वक्त मैं एक सेकंड के लिए ये सोचता था कि अब मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं उस वर्ष का पालन नहीं करूँगा। वो कई बार बहुत मुश्किल होता था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो मेरे लिए आसान होता गया। प्रार्थना और अभ्यास से उत्तम आखिरकार अपने गुस्से और उग्र स्वभाव पर काबू कर पाया। आज उत्तम बैचलर्स इन ऑनर्स पढ़ रहा है और वो अपने दोस्तों से प्रभु यीशु की बात करता है जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदला है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, उनके पास वो सामर्थ्य है जिससे वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन इसका चुनाव हमारे हाथ में है। बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30:19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि जीवन और आशीषों का चुनाव करो, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर आपको बदल सकता है। वचन बताता है कि हर एक मनुष्य पापी है, हमारे अंदर पाप है, इसलिए हमारा व्यवहार गलत हो जाता है। लेकिन जब हम अंधकार में हैं और हम प्रयत्न करते हैं पवित्र जीवन जीने का, तो हम नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले हम अंधकार से निकलकर रोशनी में आएं
और जब हम रोशनी में आ जाते हैं तब हम रोशनी के समान अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो शास्त्र ये कहता है, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती हैं, अंधकार से निकल कर हम रोशनी में आ जाते हैं और अब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अब हम जब नई सृष्टि हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है पुरानी बातों को अब छोड़ दो क्योंकि अब तुम नए हो गए हो। इसलिए जो तुम्हारे अंदर घृणा है उसको उतार दो, तुम्हारे अंदर क्रोध है उसे निकाल दो, जो भी गलत काम तुम करते थे अब तुम वो मत करो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी पहचान बदल गई है, तुम अब रोशनी में आ गए हो। और ये करना मुश्किल है लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप को ना कहें और परमेश्वर को हां कहें। आइए इस वचन को हम देखें, इफिसियों 4:22-24, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस वचन में पौलुस इफिसियों के लोगों को कह रहा है पुरानी बातों को उतार दो, पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ एंड पुट ऑन योर न्यू सेल्फ। पुराने क्रोध को उतार दो, अब प्रेम को पहन लो। दोस्तों ये मुमकिन है जब आप यीशु में विश्वास कर रोशनी में चल रहे हैं। दोस्तों रोशनी में तो हम सब चलना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अंधकार से रोशनी में आने का क्या तरीका है? मैं आपको तीन ऑप्शन दूंगा, पहला भले काम करके, दूसरा यीशु मसीह में विश्वास करके और तीसरा धार्मिक कार्यों को करके। आप हमें बताइए सही उत्तर क्या है। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें ए बी या सी, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और एसएमएस करें 09910401010। सही जवाब देने वालों के नाम हमारी वेबसाइट www.cbn.in पे दिखाई जाएंगे, तो जल्दी अपना जवाब आज ही भेजिए। अगर आप समीर जी द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब जानते हैं तो देर न करें, इसी समय अपना एसएमएस हम तक पहुंचाएं।